जी क्रिएशंस फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजा हेगड़े जो हैं वो सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री की भी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपना बॉलीवुड कैरियर जो है वो 2012 में स्टार्ट किया था और 2023 तक ये काम कर चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बताने जा रही हूँ कि 2012 से लेकर अब तक ये कितनी मूवीज़ कर चुकी हैं और कौन कौन सी मूवी जो है वो इनकी सुपरहिट गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो 2012 में जो इनकी मूवी आई थी वो थी मुग्गा मॉडी। उसके बाद 2014 में इनकी आई थी ओका लैला कौसम और 2014 में ही इनकी आई थी मुकंडा। उसके बाद 2016 में इनकी बॉलीवुड मूवी आई थी ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदड़ो और ये इनकी सुपर हिट गई थी। उसके बाद 2017 में इनकी डीजे मूवी आई थी अल्लू अर्जुन के साथ, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। 2018 में इनकी साख शाम मूवी आई थी। उसके बाद 2019 में इनकी महर्षि मूवी आई थी और 2019 में ही इनकी हाउसफुल 4 आई थी अक्षय कुमार के साथ, ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2020 में इनकी आलू अर्जुन के साथ आई थी आला वकुन थपुरामोडो। उसके बाद 2021 में इनकी आई थी मोस्ट एलिजिबल बैचलर। फिर 2022 में इनकी राधे श्याम आई थी और ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2022 में ही इनकी बीस्ट मूवी आई थी। उसके बाद 2022 में ही इनकी आचार्या मूवी आई थी और 2022 में ही इनकी F3 मूवी आई थी फन एंड फ्रस्ट्रेशन और 2022 में ही इनकी सर्कस मूवी आई थी रणवीर सिंह के साथ। उसके बाद 2023 में इनकी मूवी आई थी सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान और ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।